मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आपसे, मुझे सीमा पार जाने दो, जाने दो मुझे। हुक्मराव सुल्तान का कठोर आदेश है कि जब तक उस राजद्रोही लड़के को फांसी नहीं दे दी जाए, किसी भी नागरिक को बूंदी की सीमा से बाहर ना जाने दिया जाए। हे एकलिंग जी, प्रताप तक समाचार पहुंचाने का हमारा ये अंतिम प्रयास भी असफल हो गया, अब उसे हमारे पास कौन लाएगा? दीपावली की पूजन के बाद हम एक बार फिर से मिलेंगे और समस्त राजपुताने की राजनीतिक स्थिति के बारे में समीक्षा करेंगे। हमें बड़ी सतर्कता के साथ इस बात का पता लगाना होगा कि बूंदी के अतिरिक्त ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनको मुगलों ने अपनी मित्रता के प्रलोभन में उलझाने की चेष्टा की है। बिफर गया है, अगर आपका आदेश हो तो हम सब मिलकर इसे नियंत्रण में कर लें। नहीं, कुंवर प्रताप को इसे नियंत्रण में लाना होगा। चलो कीजिए। कुंवर प्रताप, ये चाबुक लीजिए और खींचिए इस घोड़े को नियंत्रण में। क्षमा कीजिए दाजीराज, परंतु हम अपने प्रिय अश्व के साथ बल का प्रयोग नहीं कर सकते और ना ही हम इनके साथ हिंसा करेंगे। दाजीराज क्षमा कीजिए। लगता है अश्व भी तलहटी को भूल नहीं पा रहा। राज की अश्वशाला में दम घुट रहा है उसका। ईर भाई जी, थोड़ा भी से आपका क्या तात्पर्य है और किसका दम घुट रहा है यहाँ पर? कल जीजा और प्रताप भी अश्वशाला में आए थे। सुगंधा भाई जी, अश्वशाला में कोई विशेष बात नहीं राणा जी, आप तो जानते हैं कुंवर प्रताप का अश्व प्रेम, वही खींच लाते हैं हमें यहाँ उनके अश्व दिखाने। कुंवर प्रताप की विभावनाएं कई बार उनकी बुद्धि पर हावी हो जाती। सैनिकों, इससे पहले कि एक घोड़ा और सैनिकों को घायल करे, इसे पकड़कर रस्सियों से बांध दिया जाए। कुंवर प्रताप, अंततः है तो ये जानवर विदक जाते हैं कभी कभार, हो बैठते हैं अपना नियंत्रण। ऐसे में बल का प्रयोग करना ही पड़ता है इन्हें नियंत्रण में लाने के लिए और अनुशासित करने के लिए। परंतु दाजीराज, सारंग और अश्व जैसा नहीं है, अवश्य ही इन्हें कुछ तो हुआ है या फिर इन्हें कोई चिंता सता रही है। कुंवर प्रताप, अश्व चिकित्सक आएंगे और पता लगा लेंगे कि इनकी समस्या क्या है। अब जाकर दिवाली की पूजन की तैयारी कीजिए। सारंग, हमें पता नहीं चल रहा कि आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं या फिर हमें कहीं ले जाना चाहते हैं। हम अब तक कुछ समझ नहीं पा रहे हैं।
चली गई। अन्नदाई कहाँ चली गई थी आप? कृष्णा, जूडा को बचाने के लिए जितना हो सके हमने प्रयास किया, पर हमें नहीं लगता हम उसको बचा पाएंगे। हम हार गए कृष्णा, हम हार गए। पन्नादाई, दृष्टि घुमाकर देखिए चारों ओर, यहाँ जितने भी लोग हैं सबकी आंखों पे बस एक ही आस है कि सखावीर आएगा और दूधा को बचाएगा। जब सबको भरोसा है तो फिर आप क्यों व्यर्थ में ही इतनी चिंतित हो रही हैं? सखावीर आएगा पन्नादाई, और दूधा को बचाकर सदा सदा के लिए बूंदी से सुरतन सिंह का वर्चस्व मिटा देगा। ये लीजिए, ये आप सारंग को खिला दीजिए, वे इसे बहुत प्रसन्नता के साथ खाते हैं। मैं उसको ये खिलाने का प्रयास जरूर करूंगा, पर एक बात है बाबूजी राज, मैंने आज तक इतना शांत घोड़ा कभी नहीं देखा। अम्मा गणी बाबूजी राज, मेवाड़नाथ ने आपको लक्ष्मी पूजा के लिए तुरंत तैयार होने का संदेश भिजवाया है। सेवक, आप ये सारंग को खिला के देखिए, क्या पता इसे खाते ही वे शांत हो जाए। जी। कुंवर प्रताप की ऊर्जा का मूल आधार है उनकी रानी, कुछ तो करना पड़ेगा कोकोया जी, कि हम जीजा पर फिर से लगाम खींच सके। जब से तलहटी से महलों में वापस लौटी है, हमारी सारी खुशियों को जैसे ग्रहण लगा दिया उन्होंने। खमा घड़ी रानी सा, क्या समाचार लाई? कुछ पता चला कि कुंवर प्रताप और सखावीर के बीच क्या संबंध है? नहीं रानी सा, क्षमा चाहती हूँ रानी सा, आपके लिए दुखद समाचार है। सदा की भांति इस बार भी मेवाड़नाथ आपके साथ नहीं, महारानी जयवंताबाई जी के साथ ही लक्ष्मी पूजा में बैठेंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे अजी, हमारा और श्रृंगार करो, हम पे और इत्र छिड़को, हमें और सुगंधित बनाओ, हम ऐसा नहीं होने देंगे। खम्मागढ़ी मेवाड़नाथ, ये वो स्वर्ण कंगन है जिन्हें आप महारानी धीरबाई जी को इस दिवाली के अवसर पर विशेष उपहार देने वाले थे, देखिए कितने सुंदर बने। सुंदर, अति सुंदर, हमने अभी धीरबाई जी को दिवाली भेंट के रूप में देखा रहते हैं।
हम यहाँ ये कड़े आपके लिए लाए थे। अवश्य ही हमसे कुछ छुपा रही है। हमने आपको इतना दुखी, इतना शांत पहले कभी नहीं देखा। बताइए ना, क्या बात है? भाई वो प्रताप, प्रताप हमारा घर छोड़ गया, इसलिए तो आप दुखी नहीं है ना? पन्ना दाई, यदि ये बात है ना, तो आप अपने आप को संभालिए। उसके लिए क्या दुखी होना? प्रताप जैसे लड़के तो होते ही ऐसे। कृष्णा, प्रताप के विरुद्ध कुछ मत कहो। तो फिर क्या बात है, बताइए हमें। दूधा के लिए? पन्ना दाई, दूधा को कुछ नहीं होगा। सखावीर आएगा, हम सब जानते हैं, आप भी देखिएगा, सखावीर आएगा। यदि वो नहीं आया तो? यदि वो बूंदी से ना होकर सीमा के पार का हुआ तो कैसे आएगा वो? कैसे उसे पता चलेगा कि दूधा के प्राण संकट में है? आपकी बातों से ऐसा लगता है जैसे आप जानती हैं कि सखावीर बूंदी से नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आपको सचमुच पता है कि वो सीमा पार से है? बताइए ना पन्ना दाई, बताइए हमें, कैसे जानती हैं आप, बताइए ना हमें। पन्ना दाई बोलिए क्या कृष्णा, हर बात पे प्रश्न पूछना आवश्यक नहीं होता है। कहीं पन्ना दाई की बात सच हुई तो? कहीं सचमुच सखावीर बूंदी से ना हुआ तो? कैसे मिलेंगे हम उसे, कैसे देंगे हम उसे यहाँ का संदेश? आपने हमें सखावीर नाम दिया है, इसके प्रत्युत्तर में हमें भी आपको कुछ देना पड़ेगा। राणा जी, पूजा आरंभ करने का शुभ मुहूर्त शुरू हो गया है। पुरोहित जी, बिना कुंवर प्रताप के हम लक्ष्मी पूजन कैसे आरंभ कर सकते हैं? कुंवर प्रताप का इस पूजा में अपने दाजी राज और अपनी रानी माँ के साथ रहना आवश्यक है। जाइए, देखकर आइए कुंवर प्रताप कहाँ रह गए और उनसे शीघ्र आने के लिए कहिए। जी हुकुम। खमागढ़ी बाऊजी राज, आप शीघ्र पूजा स्थल पर चलिए। अन्नदाता ने कहा है आप जब तक उनके साथ जाकर के नहीं बैठेंगे वो लक्ष्मी पूजा आरंभ नहीं करेंगे। चलिए।
ये तो हमारे लिए कृष्णा का संदेश है। इसका अर्थ हुआ कि वहां किसी पर संकट आया है और सखावीर की वहां प्रतीक्षा हो रही है। क्षमा करें बाबूजीराज, अन्नदाता ने आपको शीघ्र ही आने के लिए कहा है। हे एकली जी, अब हम एक ही समय में दो अलग अलग स्थानों पर कैसे हो सकते हैं? एकली जी, तो ये बात है, इसीलिए सारंग तब से बिफड़ बिफड़ के हिलने ना रहा था। बाबूजीराज, आशा, तुमने हमें भेंट में दिए अपनी अग्नि ध्वज की आकाशीय अग्नि क्रीड़ा देख ली होगी सखावी। ये सब क्या है कृष्णा? पन्ना राय, हमने सखावीर को अग्नि संकेत देकर सचेत कर दिया है, अब वो शीघ्र ही यहाँ आ जाएगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था कृष्णा, तुम्हारे ऐसे करने से डूडा और सखावीर दोनों के लिए स्थितियां और उलझ सकती है। हमें ऐसा क्यों लगता है पन्ना राय कि आप अवश्य सखावीर के बारे में कुछ जानती हैं जो आप हमें नहीं बता रहे? ठीक है, आप जितना छुपाना चाहें छुपा लें, लेकिन सच का पता हमें आज नहीं तो कल लग ही जाएगा। और एक बात तो निश्चित है, भले ही हम सखावीर से बस एक दो बार ही मिले हो, पर वो हमारे सहायता के लिए अवश्य यहाँ आएगा। वो डूडा को बचा कर रहेगा। हुकुम, देखिए आकाश में कितनी उच्च कोटि की अग्नि क्रीड़ा कर रहा है कोई। कौन हो सकता है हमारी बूंदी में? अचंबा हो रहा है हमें, ना केवल इस अग्नि क्रीड़ा को देखकर, पर ये सोचकर भी कि हमारे बूंदी राज्य में हमारे सेवक ही कितने मूर्ख हैं। इस अग्नि क्रीड़ा का हेतु केवल मनोरंजन नहीं है मूर्ख, इसका हेतु है सखावीर को सतर्क करना। बूंदी राज्य में, हमारे बूंदी राज्य में कोई संदेशा दे रहा है सखावीर को कि उसकी यहां पर आवश्यकता है। हमें भी यहां हमारे मस्तिष्क में कुछ हो रहा है। हमारा जो संदेह था वो विश्वास में बदल रहा है कि ये जो सखावीर है वो बूंदी का नागरिक नहीं है, सीमा पार का कोई व्यक्ति है। हे गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त बस अब कुछ ही पलों में समाप्त होने वाला है। हुकुम, बाजीराज यहीं आ रहे थे पूजा के लिए, किंतु अचानक ही वो अश्वशाला की ओर चले गए। हम ले आते हैं कुंवर प्रताप को। नहीं नहीं जीजा, एक बार पूजा के निमित्त सम्मिलित होने के बाद पूजा से हटना अशुभ माना जाता है। हम ले आते हैं कुंवर प्रताप को। नहीं नहीं धीर भाई जी, आप क्यों जाएंगे? जयंता भाई जी, धीर भाई जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब आप इस पूजा से नहीं जा सकते, उन्हें जाने दीजिए। हमें क्षमा कर दीजिए सारंग, हमें पहले ही समझ लेना चाहिए था कि आप हमें किसी संकट का संकेत दे रहे हैं, परंतु कृष्णा चाहे जैसे भी संकट में हो हम उन्हें बचा लेंगे। आप घबराइए मत। सारंग, यदि कृष्णा संकट में होती तो वे हमारे दिए हुए अग्नि बाणों तक पहुंच के उसे कैसे छोड़ दी है ना सारंग? फिर और कौन हो सकता है संकट में? हे एकलिंग जी, 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 डूडा।